सूरत में जेट इंडिया संस्था द्वारा फूड फेस्टिवल 2024 नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। जेट इंडिया संस्था ना विद्यार्थियों विश्वभर में विविध खाद्य पदार्थों स्टॉल लगाव्या हता। अने सौथी महत्वनी वात ए छे के आ तमाम वानगीओ विद्यार्थियों द्वारा तैयार करवामां आवी हती। सूरत ना अडाजण खाते बीएम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीओ द्वारा सूरत ना सौथी मोटा फूड फेस्टिवल 2024 नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। जेट इंडिया संस्था एविएशन होटल स्वीपिंग प्रवासन क्षेत्र की तालीम आपती अग्रणी संस्था छे। आ फूड फेस्टिवल में जेट इंडिया संस्था विद्यार्थियों विश्वभर में विविध खाद्य पदार्थों स्टॉल लगाव्या हता। अने सौथी महत्वनी बात ए छे के आ तमाम वानगीओ विद्यार्थियों द्वारा तैयार करवामां आवी हती। आ स्टॉल में बॉम्बे स्टाइल सैंडविच, मेक्सिकन सैंडविच, पास्ता इन व्हाइट सॉस अने क्रिस्पी बॉल, उबाड़ियू कुलहत, चॉकलेट, चॉकलेट डेजर्ट, केनेप्स, मेक्सिकन बुरिटो, मॉकटेल, पनीर, छोले बास्केट अने अन्य खाद्य पदार्थों स्टॉल लगाव्या हता। आ कार्यक्रम में मुख्य मेहमान आईबीएम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीओ जेट इंडिया इंस्टीट्यूट स्थापक सिरीन वस्तानी, फिल्म निर्माता अने दिग्दर्शक करण राजपूत अने सतीश पटेल उपस्थित रहा हता। समग्र गुजरात रिटेक समग्र सूरत में शाला कॉलेजों 50 आचार्य आ कार्यक्रम में हाजरी आपी हती। आ फूड फेस्टिवल में जुम्बा अने विविध डांस परफॉर्मेंस द्वारा प्रेक्षकों ने मनोरंजन करवामां आव्या हता। 600 दर्शकों फूड फेस्टिवल में भाग लीधो हतो अने पहलनी प्रशंसा करी हती। संस्थाना विद्यार्थीओए संस्थाना स्थापकनो आभार व्यक्त कर्यो हतो। मेरा नाम जैन सिंह, सरस्वती हिंदी विद्यालय, निमनगर पांडेसरा। आईआईबीएम का जो ये प्रोग्राम है फूड फेस्टिवल का, तो इसे आने वाले फ्यूचर में इसकी बहुत स्कोप है, मांग है। इसमें बच्चों को अपना करियर बनाने का एक अच्छा मौका है। अगर इसको अपॉर्चुनिटी समझ करके अगर इससे वो अवॉइड करते हैं तो फिर ये जो है बहुत अच्छा उनका भविष्य और फ्यूचर बनेगा। और हम समझते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं ना, इसके बाद अवेयर होंगी कि कैसे हेल्दी फूड और हाइजीनिक फूड कैसे लेना चाहिए। इसके बारे में आईआईबीएम ने बहुत अच्छा जो स्कोप लिया है, हमारे बच्चों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। आपको क्या खास लगा है? खास ये लगा कि इन्होंने जो हाइजीन का जो व्यवस्थित किया है, इन्होंने व्यवस्था किया बहुत अच्छा लगा। और ये जो टेस्ट है और टेस्ट के साथ हेल्दी फूड जो है इन्होंने जो प्रोवाइड किया बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। और मैं आईआईबीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया और इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं जो लोगों को, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। थैंक यू। शिरीन वस्तानी हूँ मैं आईआईबीएम जेट इंडिया कॉलेज से। एंड हमने ये पहली बार सूरत में फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ करीबन 14 से ज़्यादा फूड्स है जो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, अलग अलग इवन सिटीज़ के हैं, कुछ इंडियन में भी है, कुछ वेस्टर्न फूड भी है। और बच्चों को जो एक्चुअली में क्लास में सिखाया जाता है फूड के बारे में, वो सब उन लोगों ने यहाँ प्रेजेंट किया है। तो इसमें प्रेजेंटेशन किस तरह का है, उनका टेस्ट किस तरह का, उनकी क्वालिटी किस तरह की है और ओवरऑल उनका अपीयरेंस कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस किस तरह का, ये सब पे एक जज भी कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने करीबन 55 प्रिंसिपल को इनवाइट किया है। ऑलमोस्ट सूरत और सूरत के बाहर से भी बहुत सारे प्रिंसिपल आए हैं जिन्होंने फूड फेस्टिवल को सपोर्ट किया है। मैं उन सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतने दूर से आए और स्टूडेंट्स को आपने एक मोटिवेशन दिया, आपने उनको जज किया उस पैरामीटर्स पे जहाँ आप अपने स्टूडेंट्स को जज करते हैं। तो आप लोगों के लिए थैंक यू। और ऐसे और भी फेस्टिवल हम करना चाहते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर पाए, बता पाए सबको। एंड थैंक यू सो मच।